एक बार सभा के दौरान अकबर बड़े ही उदास बैठे थे। उन्होंने अपने मंत्रियों को बताया कि कल रात जब वह सो रहे थे तो सपने में उन्होंने एक बहुत सुंदर महल देखा। वह महल हीरे जवाहरातों से भरा पड़ा था। उसका बागीचा इतना सुंदर था कि देखते ही मन खुश हो जा रहा था। तब अकबर ने बताया कि उस महल का दरवाजा सोने का था। उस दरवाजे से उनके पिताजी बाहर आए और उनके पिताजी ने अकबर से कहा कि बेटा, हमेशा से ऐसे महल का सपना मेरा था, मगर मैं इस सपने को पूरा नहीं कर सका, तो तुम मेरे सपने को पूरा करना और ऐसा ही एक महल बनाना जो हीरे जवाहरातों से गढ़ा हुआ हो। तब अकबर ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पिताजी का ये सपना पूरा करूँ और एक ऐसा ही महल तैयार करूँ। तभी शातिर मंत्री बोले कि महाराज, आपका सपना हमारा सपना है, मैं आपकी इसमें पूरी मदद करूँगा। मगर बीरबल बोले, महाराज, सपने तो सपने होते हैं, ऐसा महल बनाना बहुत मुश्किल है और इसमें आपका पूरा खजाना खाली हो जाएगा। और यदि हम सपनों को सच बनाकर उसको जीने लगे तो हमारा जीवन जीना नामुमकिन हो जाएगा। तभी मंत्री बोले कि महाराज, आप इस बीरबल की बातों में ना आए, मैं आपके लिए एक ऐसा कारीगर ढूंढ के लाऊंगा जो हूबहू आपके सपने जैसा महल तैयार करेगा। अकबर मंत्री की बातों में आ गए और उन्होंने कहा, ठीक है, यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं सारी दौलत लुटाने को तैयार हूँ। अगली सुबह मंत्री एक कारीगर को लेकर पहुँचे। वो कारीगर बहुत लालची था, उसने मंत्री को अपने लालच के जाल में फंसा दिया था और कहा था कि वह अकबर से जितनी दौलत लेगा वह दोनों आधी आधी बांट लेंगे। अब वह अकबर से बोला कि महाराज, आपके लिए मैं महल तैयार कर दूंगा, यदि उसके लिए बहुत सारा धन लगेगा। अकबर ने कहा, ठीक है, जितनी भी धन की जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम महल बनाना शुरू करो। ऐसे ही बहुत दिन बीतते जा रहे थे और अकबर का खजाना खाली हो रहा था। अकबर ने मंत्री से पूछा कि मंत्री जी, तुम्हारे कारीगर कब वो महल तैयार करेगा? मगर मंत्री रोज राजा को टालता रहता। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा व्यक्ति आया। वह रोता हुआ अकबर से बोला, महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा धन दौलत परिवार एक लुटेरे ने लूट लिया है, अब मैं क्या करूं? उसकी बातें सुनकर अकबर हैरान रह गए और बोले, मैं तुमको जरूर इंसाफ दिलाऊंगा बाबा, आप मुझे बताएं आपका धन दौलत और परिवार किस लुटेरे ने लूटा। तब वह बोला, महाराज, आप हैं वो लुटेरे, आपने ही मेरा धन दौलत लूटा है और मेरा परिवार भी खत्म कर दिया है। ये सुनकर अकबर हैरान रह गए और वह बोले, बाबा जी, आप ये क्या कह रहे हैं, मैंने कब आपका धन दौलत और परिवार को लूटा? तब वह बाबा बोले, जी महाराज, आपने कल रात सपने में आकर मेरा परिवार धन दौलत सब कुछ लूट लिया है। यह सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आ गया और वह बोले कि ये तुम क्या कह रहे हो, सपने में देखी हुई चीज भी भला कोई सच होती है? तब वह बाबा बोले, क्यों नहीं महाराज, सच होती है, तभी तो मेरे महाराज सपने में देखे हुए महल को बनाने के लिए बेमिसाल दौलत लुटा रहे हैं। यह बात सुन पहले तो अकबर चौंक गए, फिर उन्होंने गौर से सोचा तो उनको एहसास हुआ। फिर उन्होंने बाबा से कहा, बाबा जी, आपने सही कहा है, लगता है मुझसे ही बहुत ज्यादा भूल हो गई है और मुझे अपनी भूल को सुधारना पड़ेगा, मैं अभी वो काम रुकवाता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे सपनों की दुनिया से बाहर निकाला, और यह काम और कोई नहीं मेरा चहिता बीरबल ही कर सकता है, क्यों, सही कहा ना बीरबल? अकबर के इतना कहते ही बीरबल ने अपनी दाढ़ी मूछ निकाली और वह असलियत में सामने आ गए। उन्हें देखकर सभी हंस पड़े। अकबर ने फिर उस कारीगर को बुलाया और उसको धोखा देने के जुर्म में कारागार में डाल दिया। बीरबल ने एक बार फिर अकबर की आंखें खोल दी और उनका धन और समय दोनों बचाया। इस कहानी ने हमको ये सिखाया कि भावनाओं में बहकर निर्णय लेना हमेशा महंगा ही पड़ता है।